तो आज आप लोगों को हम बताएंगे कि कर्सर क्या है, यानी कर्सर किसको कहते हैं। तो अभी देखिए, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, जैसे कि हम आप लोगों को बताए थे, एक छोटा सा लाइन। देखिए आप लोगों को एक छोटा सा लाइन दिख रहा है, जो हमेशा क्या दिखता है, छिपता है, दिखता है, छिपता है ना। डैट मीन्स ब्लिंक करता है। ब्लिंक का मतलब होता है दिखना और छिपना, ठीक ना। तो दिखता है, छिपता है, यानी ब्लिंक करता है, तो इसी को हम लोग कर्सर कहते हैं। इस स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है। और ये कर्सर जहाँ पे होता है, तो वहीं पे जो कुछ हम लोग टाइप करेंगे, वहीं से वो टाइप होना शुरू होता है। मान लीजिए अभी कर्सर मेरा यहाँ है, तो जो कुछ हम टाइप कर, देखिए यहीं से ये टाइप होना शुरू हो रहा है। मान लीजिए अगर कर्सर मेरा यहाँ है, देखिए यहाँ जो कुछ, तो जो कुछ टाइप कर रहे हैं यहाँ पे से टाइप होगा। मान लीजिए अगर कर्सर मेरा यहाँ है, ठीक ना, तो जो कुछ टाइप करेंगे यहाँ से टाइप होगा। डैट मीन्स कर्सर जहाँ पे रहेगा, ठीक ना, तो जो कुछ हम लोग टाइप करेंगे वहीं से स्टार्ट होगा वो टाइपिंग, ठीक है। तो इसी को कर्सर कहते हैं।